बड़ी प्लानिंग बेनकाब। आतंक का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। आतंक की बड़ी साजिश बेनकाब। आतंक पर बड़ी सियासत बेनकाब। ये राज्य पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है क्या? कौन क्या बोलता है ये मुझे ज्यादा इसको मैं महत्व नहीं देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंकी जान कौन मेहरबान। मुंबई में रह रहे आतंकवादी जान मोहम्मद की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति सुलगने लगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या राज्य की एजेंसियां सो रही थीं और क्या आतंक के एक विशेष मजहब के होने का उसे फायदा आतंकवादी को मिला। उद्धव सरकार ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आतंक के इन 6 सौदागरों ने तैयार कर रखी थी नापाक साजिश की ब्लूप्रिंट। डी कंपनी से फंडिंग हो चुकी थी। 6 में से 2 ने पाकिस्तान के उस फार्म हाउस में जाकर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली थी जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन सब का रिमोट अपने हाथ में ले चुकी थी। साजिशों को अंजाम देने के लिए बस नवरात्रों का इंतजार था। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो एक्सप्लोसिव्स और IDs हैं उनको तो फेस्टिव सीजन के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज या जहां बड़ी गैदरिंग है वहां पे यूज़ होना था। अभी तो रैगी शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन पे इन्होंने जो हमारी जहां पे के गैदरिंग्स होती हैं नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहां रामलीला होती है वहां पे वो उनका लाइकली टारगेट था। त्योहार के वक्त दहशत का खेल खेलने का मंसूबा पाले आतंक के 6 सौदागरों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों से हुई है। दिल्ली के ओखला से ओसामा और सराय काले खां से अबू बकर, लखनऊ से आमिर जावेद, प्रयागराज से जिशान कमर, रायबरेली से मूलचंद और कोटा से जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर गिरफ्तार किया गया। आतंकी साजिश के भांडाफोड़ की शुरुआत डी कंपनी के गुर्गे जान मोहम्मद की गिरफ्तारी से हुई जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले गिरफ्तार किया। जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए। जान मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया। बीजेपी ने सूबे की सुरक्षा एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जवाब में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आरोपों को खारिज किया। ये राज्य पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है क्या? गृह मंत्री इस पर कुछ राज्य के सवाल या जवाब देंगे कि नहीं, या सिर्फ अगर ये हिंदू सनों पर अटैक करने वाले थे और विशेष धर्म के लोग थे तो इसके लिए महाराष्ट्र इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? ऐसी तो भूमिका राज्य की सरकार ने नहीं लिया ना। वो केंद्र सरकार की जो आदेश है IB की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो IB के इन्फॉर्मेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। कभी कभी IB की इन्फॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर की जाती है, कभी कभी उसको शेयर नहीं किया जाता। जान मोहम्मद को लेकर सियासत शुरू हुई तो सूबे के ATS चीफ को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा राज्य की एजेंसियों से कोई लापरवाही नहीं हुई। केंद्रीय एजेंसियों से इंटेलिजेंस इनपुट महाराष्ट्र को नहीं पहले दिल्ली को मिला। एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में आदमी था लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये
जो केस हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। जिस जान मोहम्मद को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार को घेर रही है, वो पत्नी और दो बेटियों के साथ मुंबई के धारावी में रहता था। असगर नाम के एक ट्रेवल एजेंट ने जान मोहम्मद के लिए 13 सितंबर की मुंबई सेंट्रल से दिल्ली की टिकट बुक की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो जान मोहम्मद यूपी से आईडी और विस्फोटक लाने जा रहा था, जिसे उसे दिल्ली पहुंचाना था। जान मोहम्मद की टिकट बुक कराने वाले शख्स असगर को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस बीच अभी तक की जांच में ये बात साफ हो गई है कि जान मोहम्मद स्लीपर सेल से जुड़ा है और उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं। उसे पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल के लिए आईडी, हथियारों और ग्रेनेड का बंदोबस्त करना था। मुंबई से कमलेश सुतार और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।